महाराष्ट्र के महाविकास आघाड़ी सरकार ने किसानों की लूट कर बीमा कंपनी को मालामाल किया है। ऐसा आरोप राज्य के पूर्व कृषि मंत्री अनिल बोंडे ने आज एक पत्र परिषद में किया है। उन्होंने कहा कि 2019 में देवेंद्र फडणवीस सरकार ने खरीफ फसल में 85 लाख किसानों को 5,795 करोड़ की बीमा राशि का लाभ पहुंचा था, लेकिन 2020 में खरीफ फसल में उद्धव ठाकरे की सरकार ने किसानों को महज 743 करोड़ रूपए की बीमा नुकसान भरपाई थी। प्रधानमंत्री फसल बीमा किसानों के लिए है, लेकिन उद्धव सरकार ने बीमा कंपनियों को मालामाल किया है। देवेंद्र फडणवीस सरकार के कार्यकाल में खरीफ हंगाम 2019 में महाराष्ट्र में 128 लाख किसानों का फसल बीमा निकाला गया था। शेतकऱ्यांचे हित जोपासण्या करता पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांनी पंतप्रधान पीक विमा योजना सुरू केली होती आणि त्यासोबतच फळबागाकरिता हवामानावर आधारित फळबाग पीक विमा योजनासुद्धा सुरू करण्यात आली होती। 2019 पर्यंत या विमा योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांवर जेव्हा जेव्हा संकट आलं त्या त्या वेळेला परतावा अतिशय चांगल्या तऱ्हेनं शेतकऱ्यांना मिळाला, फळबागा करणाऱ्या शेतकऱ्यांनासुद्धा मिळाला। परंतु 2019 मध्यानंतर महाविकास आघाडीचं उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वामध्ये सरकार आल्यानंतर या सरकारच्या माध्यमातून या विम्याचे निकष बदलवले आणि आपल्याला सांगू इच्छितो की पंतप्रधान पीक विमा योजनेमध्ये केंद्र सरकार राज्य सरकार स्वतःचा हिस्सा देतं, शेतकऱ्याचाही 2 ते 5% हिस्सा असते, परंतु संपूर्ण ही यंत्रणा राबवण्याचं आणि कंपन्यांशी करार करण्याचं काम हे राज्य सरकारवर सोपवलेलं आहे। प्रत्येक राज्याच्या भौगोलिक परिस्थितीनुसार करार केला जातो। 2019 नंतर महाविकास आघाडी सरकारच्या माध्यमातून या कंपन्यांशी जे करार झाले त्यामुळं महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांचा मोठा घात झालेला आहे। म्हणजे शेतकऱ्यांनी राज्य सरकारनी केंद्र सरकारनी जो विमा हप्ता भरला तो विमा हप्ता संपूर्णतः या विमा कंपन्यांच्या घशात टाकण्याचं काम, त्यांना नफा कमावू देण्याचं काम या राज्य सरकारने उद्धव ठाकरे सरकारने केलेलं आहे। किसानों का 2020 में बेमौसम बारिश, चक्रवात ऐसे कई समस्याओं के चलते नुकसान हुआ था, लेकिन फिर भी राज्य सरकार द्वारा 15 लाख किसानों को ही मुआवजा दिया गया है, जो कि गलत है। ऐसा पत्र परिषद के दौरान पूर्व कृषि मंत्री अनिल बोंडे इनके द्वारा कहा गया। साथ ही राज्य के कृषि मंत्री ने इस्तीफा देना चाहिए, ऐसा भी बोंडे इन्होंने कहा। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।